सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है ये बहुत ही खास होने वाली है। बहुत खूबसूरत तरीके की ड्रिपिंग स्टाइल्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आपको इन सारी ड्रिपिंग स्टाइल्स में से कौन सी ज़्यादा पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा। सबसे पहले इन सारी ड्रिपिंग स्टाइल को बनाने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी स्कर्ट की, तो कोई भी स्कर्ट आपके पास हो वो ज़रूर यहाँ पर वेयर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो ड्रेपिंग स्टाइल है साउथ इंडियन लहंगा ड्रेप है, तो इसके लिए हमें कनकन स्कर्ट अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि कनकन स्कर्ट से इसमें थोड़ा सा फ्लफीनेस इसमें आएगा जिसके चलते आपकी जो ड्रेप है ये फ्लफी दिखाई देगी नीचे से। साड़ी जो है आप देख सकते हैं सिंपल सी नॉर्मल सी साड़ी है, आप कोई भी ले सकते हैं जिससे कि आपको ये ड्रेप बनाने हैं। सबसे पहले यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है उसको अब हम बना लेंगे। और पल्लू का जो पोर्शन है ये फर्स्ट वाली ड्रेप में कुछ ज़्यादा बड़ा तो नहीं चाहिए, लेकिन बॉर्डर हमारी एक जैसे आनी चाहिए, इसका हम इसमें ध्यान देंगे। ये जो ड्रेप है ये साउथ इंडिया में आप देख सकते हैं कि किसी ब्राइड को भी ये ड्रेप पहनाया जाता है, और इसमें अगर हम मैचिंग कलर की स्कर्ट वगैरह वेयर करते हैं तो ये और भी खूबसूरत लगेगा। मेरे पास मैचिंग कलर का स्कर्ट नहीं था ग्रीन कलर का, इसीलिए मैंने येलो पर ये ट्राई किया, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। देखिएगा यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है, नॉर्मली हम जिस तरीके से पल्लू का पोर्शन बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमें पल्लू का पोर्शन बना के लेना है। अच्छे से पिनअप वगैरह कर लेंगे, आप चाहे तो क्लचर वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर, क्लिप्स का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके की ड्रेपिंग। देखिएगा यहाँ पर अभी साड़ी का जो एंड वाला फैब्रिक है वो हम लेंगे अलग, और यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको, तो ये ड्रेप हम टकिंग से कर सकते हैं, और टकिंग करने के बाद इस तरीके से बड़ी साइज के प्लेट्स हम अरेंज कर लेंगे बनाने के लिए ज़्यादा, और इसको टकिंग करते हुए जाएंगे। फ्लोर को टच करते हुए हमें फैब्रिक को ज़रूर रखना है यहाँ पर कुछ इस तरीके से। बड़ी बड़ी साइज़ के प्लेट्स हम बनाएंगे। ये ड्रेप बनाने के लिए ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, 2-3 मिनट में आपकी पूरी जो ड्रेप है ये बन जाती है, ये फर्स्ट वाली स्टाइल। हील्स वगैरह भी ज़रूर वेयर कर लीजिएगा, क्योंकि नीचे की तरफ से हमें समझ में आ जाएगा कि कितना पोर्शन हमें नीचे की तरफ से छोड़ना है। इसी तरीके से टकिंग करते हुए यहाँ पर जाएंगे। पीछे से भी आप देख सकते हैं, दो तीन प्लेट में आपका जो कमर का पोर्शन है वो पूरा यहाँ पर एरिया हो जाता है, और यहाँ पर पल्लू का जो पोर्शन है वो अब हम लेंगे और यहाँ पर इस तरीके से हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। हमारी जो बॉर्डर वगैरह है वो भी यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगी, ये बॉर्डर, और ये वाला जो फैब्रिक है अभी अंदर की तरफ से यहाँ पर इस तरीके से टक कर लेंगे बेली बटन के पास, और पीछे की तरफ ये बॉर्डर ले जाते हुए अब हमें यहाँ पर इसको सेट ज़रूर कर लेना है। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है ये ऊपर की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर हम सेट कर लेंगे। और ये बॉर्डर आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आई है, जो कि ये बहुत खूबसूरत तरीके से जाती है लेफ्ट वाले शोल्डर से नीचे राइट साइड की पैर की तरफ। ग्रीन और रेड कलर में ये पोर्शन आता है जो बहुत खूबसूरत लगेगा। देखिएगा कितनी खूबसूरत तरीके से ये हमारा लहंगा बन जाता है ये, और ज़्यादा वक्त भी इसको नहीं लगता, 2-3 मिनट में आपकी ड्रेप ये बन जाएगी। अगर आप पल्लू वगैरह का पोर्शन भी पहले ही बना के रखेंगे तो बहुत ही जल्दी आपकी ये ड्रेप बन जाती है। एक फेस बेल्ट वगैरह लगाने के बाद ये और भी खूबसूरत लगेगा। नीचे से भी आप देख सकते हैं एक तरफ से बॉर्डर आ जाती है, और पोर्शन भी पल्लू का कितना खूबसूरत तरीके से लगता है, एक तरफ से हमारी साड़ी की प्लीट्स बन जाते हैं जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत लगेगा। अब हम चलेंगे हमारी सेकंड स्टाइल की तरफ। तो यहाँ पर पल्लू का पोर्शन हमने पहले ही बना के लिया है, और साड़ी का जो एंड वाला फैब्रिक है उसकी तरफ हम चलेंगे। और यहाँ पर देखिएगा इस ड्रेप में हमें प्लीट्स में इसको कन्वर्ट कर लेना है, पूरी जितनी भी हमारे अभी फैब्रिक बची हुई है उन सारी फैब्रिक को हम प्लीट्स में कन्वर्ट करते हुए जाएँगे, अरेंज करते हुए जाएँगे। यहाँ पर भी हमने स्कर्ट वेयर की हुई है, और आप यहाँ पर अगर आपके पास कनकन स्कर्ट नहीं है तो इस ड्रेप में आप कनकन स्कर्ट नहीं भी वेयर करेंगे तो भी चलेगा, नॉर्मल से सिंपल सी स्कर्ट पर भी हम ये बना सकते हैं, क्योंकि साड़ी में भी अपनी फ्लफीनेस होती है, उतनी भी फ्लफीनेस इस ड्रेप में रहेगी तो भी ये अच्छा दिखाई देता है। तो जहाँ तक हमने पल्लू का पोर्शन बनाया था वहाँ तक हमने प्लीट्स यहाँ पर अरेंज कर लिए हैं,
अभी जो प्लीट्स हमने बनाए हैं वही बात आती है कि इसको अब हम अच्छी तरीके से सेट करें, और अगर अच्छी तरीके से हम इसको सेट करते हैं तभी इसका जो लुक है ये नीट एंड क्लीन दिखाई देगा। सो इस तरीके से अब हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे और प्लीट्स हमारी छूटने का भी इसमें डर रहता है, सो इसीलिए आप कोई क्लिप वगैरह का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। क्लिप्स का, क्लचर का, हेयर क्लिप्स का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। नीचे की तरफ से भी अब हमें इसको इसी तरीके से अच्छे से सेट ज़रूर कर लेना है। जितने अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन आपका ड्रेप यहाँ पर प्लीट्स वगैरह बनेंगे उतना ही ड्रेप आपका अच्छा दिखाई देगा। अब देखिएगा पल्लू का पोर्शन हम लेफ्ट साइड की तरफ पीछे की तरफ से रखेंगे और इसको अब हम इस तरीके से टकिंग करते हुए जाएंगे। तो हमारी जो प्लीट्स है वो आप देखिएगा यहाँ पर इसकी जो डायरेक्शन है वो लेफ्ट साइड की तरफ हमें रखनी है। और अगर हमारे बहुत सारे प्लीट्स बनते हैं तो आप पास पास भी इसको टक कर सकते हैं, कम बने हैं तो एक जैसा आपको थोड़ा दूर इसको टकिंग करना पड़ेगा। इसी तरीके से अब हम इसको टकिंग करते हुए जाएंगे अच्छे से, और एक जैसे पूरे हमारे प्लीट्स बन जाए तो और भी अच्छा ये हमें लुक देगा। एक जैसे पूरे हमें इसी तरीके से टकिंग करते हुए जाना है। नीचे से भी आप देखिएगा फ्लोर को टच करते हुए और पीछे से भी हमने पूरा इसको अच्छी तरीके से टकिंग कर लिया है। अभी जो पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था उसको अब हम राइट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। ज़्यादा पल्लू का पोर्शन हमें सामने की तरफ नहीं रखना है, कुछ इतना ही रखेंगे और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके से इसको हम अच्छे से सेट ज़रूर कर लेंगे। कुछ अब हम सेफ्टी पिन लेंगे और जो हमने प्लीट्स टकिंग किए थे उसको अब हम पिन अप करते हुए कुछ इस तरीके से जाएंगे। दो प्लीट्स के बीच में एक पिन भी आप लगाते हैं तो भी चलेगा, क्योंकि प्लीट्स निकलने का डर फिर नहीं रहेगा। पीछे से भी ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और वेस्ट बेल्ट वगैरह लगाने के बाद फाइनल जो लुक है वो हमारी कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। ये भी जो ड्रेप है बहुत खूबसूरत लगता है, इसमें हमारे प्लीट्स बन जाते हैं, एक एक प्लीट हमारी दिखाई देती है जिसके चलते ये और खूबसूरत लगेगा। इस ड्रेप में भी अगर आप सर पर पल्लू रखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर रख सकते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो ये लुक कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर सर पर पल्लू रखना चाहते हैं तो वो भी मैंने दिखा दिया है कि आप किस तरीके से आपका लुक इसमें दिखाई देगा। पीछे से ये कुछ इस तरीके से है, आप बालों को ऊपर की तरफ टाई वर्क कर सकते हैं और यहाँ पर पल्लू का पोर्शन आप ले सकते हैं। सो देखिएगा इस तरीके से पल्लू का पोर्शन लेने के बाद भी ये और भी खूबसूरत लगेगा। देखिएगा ये कुछ इस तरीके से, पीछे से भी बिल्कुल अनकम्फर्टेबल नहीं है, सामने की तरफ से भी प्लीट्स वगैरह आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत तरीके से अरेंज हो चुके हैं। सो वेडिंग सीजन के लिए ब्राइड को भी ये ड्रेप पहनाया जाता है, बहुत खूबसूरत ये लगता है। ये तो था सेकंड स्टाइल, आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा। अभी हम चलेंगे हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ। तो थर्ड स्टाइल के लिए हम पल्लू का पोर्शन बना लेंगे। ये भी ड्रेप बहुत खूबसूरत लगता है, पल्लू का पोर्शन हमने बना लिया है। अभी अब हम चलेंगे हमारी साड़ी के एंड वाली फैब्रिक की तरफ। तो यहाँ पर भी हमने सेकंड स्टाइल में जिस तरीके से प्लीट्स को अरेंज किया था उसी तरीके से प्लीट्स को यहाँ पर हमें अरेंज कर लेना है। थोड़ी बड़ी साइज़ में यहाँ पर प्लीट्स हम बनाएंगे, और जहाँ तक हमने पल्लू का पोर्शन बनाया है वहाँ तक हमें पूरा जो प्लीट्स का पोर्शन है वो यहाँ पर बना के लेना है। यहाँ पर बहुत सारे प्लीट्स बनते हैं तो प्लीट्स वगैरह छूट सकते हैं, इसीलिए आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से क्लिप या क्लचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके चलते ये छूटने का डर नहीं रहता, और अच्छे से इन सारी प्लीट्स को अब हम सेट ज़रूर कर लेंगे। सो देखिएगा अभी प्लीट्स हमने अच्छे से सेट ज़रूर कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाले जो प्लीट्स हमने बनाए हैं तो
इन सारी प्लीट्स को अभी वन बाय वन यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। ताकि ये वाले जो प्लीट्स हैं ये हमारे अच्छी तरीके से दिखाई दें, क्योंकि हमें सामने की तरफ इसको टक इन करना है। थोड़ा सा इसको फैलाएंगे, आधा आधा सेंटीमीटर का गैप देते हुए हम इसको इस तरीके से रखेंगे। और आप देख सकते हैं कि नीचे की तरफ से ये कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं, और इसको इस तरीके से टक इन कर लेंगे। सामने की तरफ प्लीट्स देखिएगा, और यहाँ पर टक इन करने के बाद अच्छे से पिन अप हम कर लेंगे। ताकि वन बाय वन ये हमारी जो प्लीट्स है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये वाला जो अभी बॉर्डर है इसको अब हम लेंगे, एक दो प्लीट्स में यहाँ पर कन्वर्ट कर लेंगे, और पीछे की तरफ ले जाते हुए यहाँ पर हम टक इन कर लेंगे, पिन अप कर लेंगे अच्छे से। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो पोर्शन है, अभी जो पल्लू का पोर्शन हमने बनाया था, तो इसको अब हम इस तरीके से पीछे से ही सामने की तरफ राइट वाले शोल्डर से लेकर आएंगे। और सामने की तरफ हमें पल्लू का जो पोर्शन है वो बड़ी साइज़ में नहीं रखना है, नहीं तो सामने की तरफ का जो लुक है वो थोड़ा सा इसमें शिफ्ट जाएगा। सो इस तरीके से यहाँ पर पल्लू का पोर्शन भी सेट कर लेंगे, और पीछे की तरफ से भी बॉर्डर वगैरह को अच्छे तरीके से सेट ज़रूर कर लेना है। वेस्ट बेल्ट वगैरह लगाने के बाद हमारा जो लुक आएगा वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। सो एक फ्लावर के जैसे नीचे की तरफ से हमारा लुक आता है, पीछे की तरफ से जो हमारी बॉर्डर है वो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से दिखाई देती है। ब्राइड वगैरह भी ये ड्रेप बनाते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है। आपके पास अगर मैचिंग स्कर्ट है तो वो भी आप इसमें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पल्लू वगैरह का पोर्शन भी आप देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत तरीके से यहाँ पर आया है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको इन तीनों में से कौन सी ड्रेप ज़्यादा पसंद आई मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।